वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। तो क्लास नाइन्थ अभी तक आपको शायद सेल चैप्टर फर्स्ट जो है आपका उसके लेक्चर्स आपको मिल चुके होंगे। वीडियो पूरा वो मैंने ख़त्म कर दिया, पूरा चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मुझे चैप्टर टू पढ़ाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम आगे मूव ऑन कर रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि टर्म फर्स्ट आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी जो हमें बेसिक फोकस देना है वो हमारा होना चाहिए टर्म सेकेंड पे, क्योंकि टर्म फर्स्ट तो बीत गया, हम लोग को भी थोड़ा सा डीले हो गया था और आप बच्चे भी थोड़ी सी लापरवाही कर गए कोरोना और उसमें, है ना। तो अब नहीं करना है क्योंकि अब आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लिख करके आना है। एमसीक्यू पैटर्न वो नहीं है, अब टर्म फर्स्ट के लिए था, टर्म सेकंड के लिए आपको लिख के आना पड़ेगा। उसके लिए प्रॉपर स्टडी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वन मार्कर या वन वर्ड आप है और आप कुछ भी टिक लगा करके चले आएंगे। यहाँ पर पूरी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना, और हर एक स्टेप के आपको नंबर मिलेंगे, ठीक। एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो चैप्टर जो हमारा टर्म फर्स्ट का सबसे पहला चैप्टर है वो है व्हाई डू वी फॉल इल, हम क्यों बीमार पड़ते हैं, हर वो चीज़, कौन सी चीज़ें होती हैं जिस कारण हम बीमार होते हैं, है ना, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिस जो हमें बीमारी दे सकती हैं, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हम बीमारी से बच सकते हैं, ठीक है। और हम हेल्दी कैसे रहें, क्या अगर हमें कोई बीमारी नहीं है तो क्या हम हेल्दी हैं, मतलब अगर हमें हमारा हाथ पैर ठीक है, है ना, हम आराम से, हमारे अंदर कोई सिम्टम्स नहीं है तो क्या हम ठीक हैं, क्या इसको हम हेल्दी कैटेगरी में रखते हैं, या इसमें क्या हम किसी भी पर्सन को हेल्दी कह सकते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हेल्दी पर्सन हम किसको कहते हैं, है ना। हेल्दी कोई भी है उसको हम कैसे हेल्दी कह सकते हैं, वो वाला हेल्दी नहीं, मोटा वाला वो नहीं, है ना, कि आप हेल्दी हैं, वो हेल्दी नहीं होता है, ठीक है। हो सकता है जिसको आप हेल्दी कह रहे हैं वो एग्जैक्टली हेल्दी ना हो, उसके अंदर ज़्यादा बीमारी हो, जैसे ओबिसिटी, है ना, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो बेसिकली हम हेल्दी किसको कहते हैं, डिजीज़ किसको कहते हैं, डिजीज़ फ्री किसको कहते हैं। क्या जैसे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है जब मैं ऑफलाइन में पूछती हूँ कि बताओ हेल्दी कौन होता है, तो कहते हैं मैम डिजीज़ फ्री जो हो वो हेल्दी है। तो क्या ये बात सही है कि जिसके पास कोई बीमारी नहीं वो हेल्दी है, ऐसा सही है? नहीं, ऐसा नहीं सही है। क्यों? क्योंकि किसी के पास बीमारी नहीं है, पर बहुत से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसका मतलब उनकी मेंटल स्टेप, उनकी जो मेंटल कंडीशन है वो सही नहीं है, वो अभी भी बीमार ही, यानी कि वो प्रॉपर हेल्दी नहीं कहे जाएंगे। अगर किसी भी पर्सन को कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, घबराहट, तो वो हेल्दी के कैटेगरी में नहीं होता है। कोई सिम्टम्स अगर किसी की बॉडी में हमें बाहर से नहीं दिख रहे या उस पर्सन को खुद नज़र नहीं आ रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है, हो सकता है वो डिजीज़ फ्री हो, उसको कोई बीमारी ना हो। बीमारी ना होने का मतलब वो इंसान हेल्दी नहीं होता। तो एग्जैक्टली हम कैसे समझ सकते हैं कि हेल्दी कौन है, डिजीज़ वाला पर्सन कौन है, डिजीज़ फ्री हेल्दी है या नहीं, सारी चीज़ें आज आपकी मतलब आज आपका जितना भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ, है ना, स्वास्थ्य होता क्या है एग्जैक्टली, हेल्थ मिनिस्ट्री होती है, अपने कई हेल्थ मिनिस्टर होते हैं ना, डिपार्टमेंट पूरा अलग है, उसमें कई सारे ऑफिसर्स होते हैं। तो एग्जैक्टली हेल्थ होती क्या है, अगर आपसे कोई पूछ ले, या आप जो भी है कहीं भी आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है, कि एग्जैक्टली हेल्थ होती क्या है, ठीक। तो हेल्थ इज द कंडीशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का मतलब है किसी भी पर्सन की वो स्थिति, है ना, कंडीशन, वो स्टेट जिसमें वो फिजिकली, यानी कि उसको कोई कहीं चोट वोट वगैरह ना लगी हो, फिजिकली वो हेल्दी हो, ठीक। मेंटली, दिमाग में उसको कोई भी प्रेशर ना हो, ना कोई स्ट्रेस हो, ना कोई बीमारी हो, दिमागी कोई बीमारी ना हो, वो दिमागी रूप से या मेंटली वो एकदम स्वस्थ हो, ठीक। सोशली, अब सोशली वर्ड का क्या मतलब है, सोशली वर्ड का कई बार आप देखते होंगे बच्चे जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने स्टडीज़ में, या वो बहुत अलोन रहते हैं, है ना, बहुत एकदम अपने कमरे में रह लिया, खा लिया, पी लिया, दूसरे बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं है, ना उनको कुछ बात करनी है। अल्टीमेटली अगर आप उनको गैदरिंग में लेके जाओगे तो दे विल नॉट फील कम्फर्टेबल, वाई, क्योंकि उन्होंने बिहेवियर वैसा नहीं रखा। जैसे हम एयर में रहते हैं, पानी में ले जाएंगे हमें तो क्या होगा, हमारी बॉडी उसमें सर्वाइव नहीं कर सकती, है ना, हम जिस टेम्परेचर पे रहते हैं उसी टेम्परेचर में हम रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो भी बॉडी को इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा ठंड जगह पे या ठंडी हो जाएगी, बर्फ़ में हम रह जाएंगे तो फिर तो भी हमारी बॉडी नहीं अडेप्ट कर सकती। उसी तरह से हमें अपनी बॉडी को अडेप्टेशन धीरे धीरे देनी होती है, ठीक है। अडेप्टेशन देने का मतलब है कि मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा गैदरिंग के साथ रहें, हमेशा गैदरिंग के साथ नहीं रहना आपको, या लेकिन हमेशा अकेला भी नहीं रहना, है ना। अलोननेस मतलब आपको सोशल होना चाहिए, अब सोशल नेटवर्किंग साइट पे नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का ये मतलब ये नहीं था कि आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना लीजिए, फेसबुक पे करने लग जाइए चैटिंग,
वो सोशल नहीं होता है। सोशल का मतलब कि फिजिकली आप इन्वॉल्व हो रहे हो, है ना, किसी पर्सन के साथ में आप फिजिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं, उससे उसकी प्रॉब्लम डिस्कस करना, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, इनोवेटिव आइडियाज़, जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं वो हमेशा गैदरिंग्स में ही मिलते हैं। जब हम कलेक्टिवली एक साथ ग्रुपिंग में बैठ करके सजेशंस लेते हैं, एक पॉइंट उसका ले लिया, एक कोई खास बात उसकी ले ली, फिर जा कर के पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। कभी भी आपके घर पर कोई भी गैदरिंग होने वाली, कोई भी पार्टी होने वाली होती होगी, कोई फंक्शन होने वाला होता होगा, तो एक्सपीरियंस वाले से लेकर के छोटे बच्चों की हर इंसान की सलाह ली जाती है ना। एक्सपीरियंस मतलब जो सबसे ज्यादा ऊपर, वो जो बुजुर्ग होते हैं उनसे लेकर के जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं सबसे। इससे क्या होता है कि ओल्ड आइडियाज भी हमारे मैच होते रहते हैं, हम अपने ट्रेडिशंस को नहीं भूलते। कोई भी फंक्शन करना है तो हम अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को नहीं भूलते हैं। वो कौन देखे जाता है? वो जो ओल्ड पीपल होते हैं हमारे घर में, वो देखे जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास नए आइडियाज़ होते हैं कि आपकी इस बार बर्थडे में हमें ये करना है, इस बार के फंक्शन में हमें ये करना है, तो वो छोटे बच्चे लेकर के आते हैं, या जो मिडिल एज के होते हैं वो लेकर के आते हैं। लेकिन ये होगा कब? अगर एक साथ ओल्ड पीपल बैठेंगे तो सिर्फ ट्रेडिशन में कुछ न्यू क्रिएटिविटी होगी नहीं। बच्चे बैठेंगे तो बच्चे अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे और उनके पास कोई ट्रेडिशन नहीं होगा। हमको दोनों को लेकर के चलना है, यानी कि ट्रेडिशन और हमारे नए आइडियाज़ दोनों मिक्सअप होकर के फिर हम कोई भी गैदरिंग, है ना, करनी चाहिए। इससे क्या होता है, पुरानी चीज़ें भी चलती हैं और नई चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कुल मिलाकर के आपको सोशल होना पड़ेगा, है ना। अगर आप नहीं हैं एक बुक के साथ में, तब हम उसको क्या कहते हैं कि किताबी कीड़ा, उसी इंसान को कहा जाता है किताबी कीड़ा, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक। आपको सोशल होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना, उसके सजेशंस लेना, अप्रिशिएट करना। अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी बात के लिए अप्रिशिएशन मिले तो आपको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा सामने वाले में। जलन की भावना, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, है ना। आप दूसरों के बारे में सोचेंगे तो सामने वाला आपके बारे में सोचेगा, ठीक। एग्जैक्टली अब एग्जैक्टली हेल्दी पर्सन कोई भी है तो वो क्या करेगा? तो हेल्दी पर्सन विल परफॉर्म इट्स वर्क प्रॉपरली विथ फुल एफिशिएंसी। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन का मतलब कोई भी स्वस्थ इंसान है, तो वो अपने सारे काम पूरी एफिशिएंसी यानी कि पूरी एनर्जी के साथ में करता है ना। ऐसा नहीं है कि वो थोड़े से काम करके थक गया या थोड़े से काम करके उसका दिमाग थक गया। थकना दोनों तरह से होता है। एक वो इंसान होते हैं जो कि दिमागी रूप से बहुत जल्दी थक जाते हैं कि भाई अब मुझसे नहीं होगा, हो पाएगा, जिसको कहते हैं गिव अप करना, है ना। कोई भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक बार सवाल नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तो आप गिव अप कर देते हैं, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक। तो ये चीज़ें गिव अप कोई सोल्यूशन नहीं है। आप प्रॉब्लम से भाग रहे हो, प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए। जब आप प्रॉब्लम को फेस करोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और आप दूसरों को सजेस्ट भी कर पाओगे कि मैं इस प्रॉब्लम में था तो दूसरों को ये सजेशन मैंने दिया था, अपने साथ ये किया था तो तुम भी ये सोल्यूशन इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के वो अपना काम पूरी एफिशिएंसी, पूरी एनर्जी के साथ में करते हैं, ठीक है। हेल्दी पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ठीक। मेंटली, सोशली और फिजिकली सारे, है ना, जब होगा तभी उसको हम हेल्दी कहेंगे, ठीक। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग गुड हेल्थ, फैक्टर्स यानी कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि एक अच्छी जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित कर सकती हैं। कोई भी स्वस्थ कैसे रह सकता है, और कोई भी स्वस्थ इंसान है उसको बीमारी किस किस जगह से कैसे कैसे पकड़ सकती है ना। तो सबसे पहला जो हमारा होता है इसमें होता है पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन। अब पर्सनल पब्लिक हाइजीन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर्सनल हाइजीन होता है मतलब खुद की बॉडी को क्लीन करके रखना, है ना। क्लीनलीनेस हमारी खुद की बॉडी की भी ज़रूरी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ठीक है। एक्सटर्नली और इंटर, कुछ लोग नहाते नहीं होंगे, ठंडी आ गई है, ठीक है। तो पर्सनल हाइजीन ज़रूरी है, वरना आपको बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो एक वो हो गया, फिर हमारे इंटरनल जो ये कहते हैं इंटरनल हाइजीन, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि इनसाइड जो ऑर्गन्स है उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करके हमें रखना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो पर्सनल हाइजीन का मतलब एक खुद, कोई भी इंसान है, कोई भी बॉडी है, वो खुद जो हाइजीन मेंटेन कर सकता है। और जो सराउंडिंग एरिया होता है वो भी प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आप रह रहे हैं वहाँ पे आप सांस ले रहे हैं, है ना। यहाँ का एयर इंडेक्स, हर जगह का आपका इंडेक्स होता है, ठीक। तो दिल्ली में जाएंगे कितनी पॉल्यूटिंग एरिया है, पॉल्यूटिंग मतलब वहाँ पे एकदम हाइजीन थोड़ा कम हो जाता है। हमारे यहाँ पर नॉर्मली, या आप रूरल एरियाज पे जाएंगे, रूरल आप गांव वगैरह में जाएंगे, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो बेसिकली वहाँ पर पब्लिक हाइजीन ज़्यादा होती है। आसपास में कूड़ा नहीं इकट्ठा होने देना है, आसपास की जगहों को साफ करके रखना है। आसपास में जितनी भी चीज़ें आती हैं, इन्वायरमेंट, चीज़ें, ऑब्जेक्ट, जो भी आप टच करते हो, सब कुछ, चाहे वो रोड की हो, चाहे आपके घर के आसपास की हो, चाहे आपके रूम की हो, वो आता है हमारी पब्लिक हाइजीन में, ठीक है। दूसरा आता है बैलेंस डाइट। बहुत हाइजीन मेंटेन करके रखा है, आप डाइट ले ही नहीं रहे, लो अब हो गई बीमारी, कोई डिफिशियंसी हो गई, किसी को कुछ हो गया, है ना।
कोई भी विटामिन नहीं होता तो उसमें बीमारी ऐसे विटामिन ए की कमी से आपको आई साइट में प्रॉब्लम आती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रैकेट्स बोन डिफॉर्मिटीज आती हैं। तो इसका मतलब हमें बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। आप बाहर की चीज़ों को बहुत साफ सफाई लेकर के चल रहे हैं लेकिन अंदर आपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड ही नहीं करे, इसका कोई मतलब नहीं है, है ना। तो बैलेंस डाइट ज़रूरी है। दूसरी, रेगुलर एक्सरसाइज, हम योगा प्राणायाम इस टाइम लॉकडाउन में कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, है ना, कितना ज़्यादा इफेक्टिव। जैसे एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, चाहे वो ओल्ड एज के हों, चाहे मिडिल एज के, चाहे छोटे बच्चे हों, अपनी एज के हिसाब से उनको प्रॉपरली एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे बॉडी मेंटेन रहती है। आप एक जगह पे बैठे रहोगे, दैट इज़ नॉट द, है ना, गुड थिंग फॉर योर हेल्थ, वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी का मूवमेंट वगैरह ज़रूरी है। जैसे एक कहीं भी आप लोहा रख देते हो उसमें जंग लग जाती है, तो अपने हाथ पैर में जंग मत लगाइए बैठ बैठ कर, एक्सरसाइज वगैरह करते रहिए, है ना, जिससे आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं, इसमें कम से कम 6-8 क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में, सॉरी ये आपके रेफरेंस बुक में मिलेंगे, ठीक। तो गुड हेल्थ, जैसे हाउ कैन वी अचीव गुड हेल्थ, हम कैसे गुड हेल्थ या अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने। सबसे पहले डिजीज़ के लिए अवेयरनेस, कोविड मास्क लगा के चलिए, सैनिटाइजर लेके चलिए, तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मलेरिया जब बढ़ने लगता है, क्यों कहते हैं आसपास में कूलर में पानी मत, सॉरी आस ये क्या कहते हैं, कूलर में पानी मत भरने दीजिए, गंदा पानी मत इकट्ठा होने दीजिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि मलेरिया जब बढ़ रहा होता है तो मच्छर को हमें रोकना होता है कि मच्छर हमारे घर में ना आए, मॉस्किटो नेट लगाइए, है ना, ये सारी चीज़ें क्यों कही जाती हैं। इसका मतलब एग्जैक्टली वो बता कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो भी डिजीज़ हमारे एनवायरनमेंट में, उसके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अवेयरनेस मतलब जागरूक होना पड़ेगा, बात समझ आ गई। दूसरी बात होती है, अब हम हर तरह से अवेयर नहीं हो सकते हैं, अवेयर का मतलब है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ माइन्यूर हमसे गलती हो जाती है या चीज़ें हो जाती हैं। तो कोविड के लिए हम सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ यूज़ करते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन प्रॉपरली ज़रूरी है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए ज़रूरी है, इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको क्या कहते हैं कोविड के लिए कोवैक्सीन वगैरह, कोविड शील्ड आपको लगवा लेनी चाहिए। रीज़न, इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन, इसका मतलब एग्जैक्टली होता है कि वैक्सीनेशन का मतलब होता है कि आपके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ इंसर्ट की जाती हैं, पहले से बनाई हुई एंटीबॉडीज़, ठीक। तो वो जा करके आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ पहले से पहुंच जाती हैं, और जब एंटीबॉडीज़ पहुंच जाती हैं तो जो भी बीमारी का आप वैक्सीनेशन लेकर के आए हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोवैक्सीन लगवाई या कोविड शील्ड लगवाई, तो आपके अंदर एंटीबॉडीज़ पहुंच गए। एंटीबॉडीज़ पहुंचने का मतलब आपको गलती से भी कोविड हो जाता है, तो बॉडी आपकी कैपेबल है उस डिजीज़ से लड़ने के लिए, ठीक है। जैसे आतंकवादी फैले हैं, ठीक, तो एग्जैक्टली क्या सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, यही तो होगा, सिक्योरिटी बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अब बाहर फैला हुआ है कौन, कोविड वायरस, है ना, कोविड बाहर है, तो हमें अंदर में सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, दैट मीन्स हमें अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालनी पड़ेंगी, इसलिए हमें वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन करवाना ज़रूरी। इम्यूनाइज दोनों एक ही चीज़ें हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाना वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। दूसरा होता है, अब वैक्टर बॉर्न डिजीज़ बहुत होती है, जैसे डेंगू मलेरिया कितना फैलता है, तो वैक्टर जो होते हैं, वैक्टर का मतलब जैसे जो भी पैरासाइट है, ये आपका जैसे मच्छर होता है, तो फीमेल एनोफिलीज मलेरिया फैलाती हैं, इनको अगर हम कम कर दें तो मलेरिया फैलेगा ही नहीं। इसका मतलब जो वेक्टर है उनको खत्म करना बहुत जरूरी है, इरेडिकेशन का मतलब खत्म करना उनको। दूसरा होता है पर्सनल और पब्लिक हाइजीन, ये तो अभी पूरा हमने देखा मेंटेन करना कितना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को हमें जो भी हमारा कूड़ा होता है उसको कहीं भी ऐसा डिस्पोजल नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वहां से कितने ज्यादा बैक्टीरिया वेक्टर मॉस्क्यूटो कितने फैलते हैं, और एग्जैक्टली हम पब्लिक हाइजीन भी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। अगर हम कहीं भी कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं तो इसका मतलब हम पब्लिक हाइजीन मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं, और पक्का है आपको कोई ना कोई बीमारी होगी, ठीक है। एट लास्ट जो हमारा लास्ट है वो है कंजम्पशन ऑफ क्लीन एंड फूड एंड वाटर। मैंने कहा बैलेंस डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट का मतलब अच्छा अच्छा खाना खाइए, आप सेब खाइए, फ्रूट्स खाइए, ठीक है। अब आपने क्या किया, सेब लाए बिना धुले खा लिया, अब उसमें पता नहीं कौन कौन से बैक्टीरिया भरे हों। मैम हमने तो सेब, हम तो सेब खा रहे थे, बैलेंस डाइट मेंटेन कर रहे थे, पर हमें बीमारी हो गई ना। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि आप हाइजीन मेंटेन करके मत खाइए, बैलेंस डाइट खाइए, लेकिन जो भी है, जो भी आप फूड और वाटर ले रहे हैं वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। यही कारण है कि मिनरल वाटर हम बाहर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर के थ्रू भी कितनी बीमारियां फैलती है। आप देखिए कानपुर में कितनी ज़्यादा, वो वहाँ पे जो जाता है उसको ज़रूर एक बार जॉइंटिस की प्रॉब्लम होती है, क्यों, वहाँ का पानी ऐसा है,
वहाँ का, इसका मतलब हमें फूड और जो भी हम खा रहे हैं उसमें क्लीनलीनेस रखनी पड़ेगी। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट, मुझे नहीं लगता है आप मेरे इतने लेक्चर से आप खुद ही समझ गए होंगे कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए, ठीक है। पर ये याद रखिएगा कि इसमें हम आपको पढ़ने की इस चैप्टर में उतनी जितना समझने की, और आप डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज से चेक कर सकते हैं, है ना, आसपास में भी आप देखते हैं तो हेल्थ कैसे अचीव की जाती है, डिजीज फ्री कैसे रहा जाता है, ये सारे बच्चों को पता होता है। बस आप एक्सप्रेस करना जानिए, है ना, ये मत सोचिए कि हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन, ये वही सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा खाना खाना, आप सब कुछ जानते हैं, तो आप लिख के क्यों नहीं आते हैं? ये सारे पॉइंट्स मेंटेन करके अपनी कॉपी में आप लिखिए और उसके बाद में इसको प्रिपेयर करिए, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे मूव करेंगे। थैंक यू सो मच।